प्रदेश सरकार जो पिछले 4.5 साल से हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसकी जो नाकामियां हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे वो अन्य सामाजिक क्षेत्रों में है। अब व्यवस्था की बात देख लीजिए, बेरोजगारों के साथ छलावे की बात देख लीजिए। अभी हाल में JEE का टेस्ट हुआ, उसमें पेपर लीक हो गया। उन लोगों को, उन चेहतों को आगे लाने के लिए जो है इस तरह के काम किए जा रहे हैं, जो इनकी हार्ड कोर लोग हैं, और उन लोगों के साथ छलावा है जो रात दिन अपने घरों में बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके विभिन्न जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ छलावा है। चाहे वो आउटसोर्सिंग की बात है, आउटसोर्सिंग में सिर्फ उन्हीं लोगों को डिमांड दिया जा रहा है जो कि उनके पन्ना प्रमुख हैं, बूथ प्रमुख हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनको डिमांड दिया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। और दूसरी बात एक है इसमें, आउटसोर्सिंग में भी सिर्फ 2 कंस्टिट्यूंसी के लोगों को डिमांड दिया जा रहा है, बुसराज और धर्मपुर। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र के लोगों को अधिमान नहीं दिया जा रहा, और इन क्षेत्रों से भी वही लोग हैं जो उनकी भारतीय जनता पार्टी की जिनकी सदस्यता है या उनकी उससे जुड़े हुए लोग हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो 70 वर्ष में जो हमारा सिलेंडर था गैस का, वो मैक्सिमम रेट उसका गया 441 रुपये। लेकिन आज उसके बाद जो 7 वर्ष की जो सरकार केंद्र में बैठी है, आज सिलेंडर का रेट क्या हो गया, तो आप रेशो वहीं से देख सकते हैं कि महंगाई कहां से पनपी है। आज दालों के रेट देख लीजिए, आज आप किसी भी ऑयल के रेट देख लीजिए, कोई भी खाद्य पदार्थ है उसके रेट देख लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ें हैं, आज आपका पेट्रोल डीजल देख लीजिए, जो कांग्रेस के समय में 72 रुपये था, आज वो 117 रुपये है। और जो सीमेंट हमारे प्रदेश में बनता है, हमारे प्रदेश में बनने के बावजूद यहाँ पे सीमेंट का बैग हो गया 500 रुपये, जबकि पंजाब और कहीं भी जाइए आप 350-400 रुपये। तो ये किस तरह की बातें हैं, ये जुमलों में अब हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। और इन चुनावों में जो केंद्रीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है, और जिस तरह की एक टीम हिमाचल प्रदेश को बना के भेजी है, प्रदेश सरकार जो पिछले 4.5 साल से हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसकी जो नाकामियां हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, चाहे वो अन्य सामाजिक क्षेत्रों में है। अब व्यवस्था की बात देख लीजिए, बेरोजगारों के साथ छलावे की बात देख लीजिए। अभी हाल में JEE का टेस्ट हुआ, उसमें पेपर लीक हो गया। उन लोगों को, उन चेहतों को आगे लाने के लिए जो है इस तरह के काम किए जा रहे हैं, जो इनकी हार्ड कोर लोग हैं, और उन लोगों के साथ छलावा है जो रात दिन अपने घरों में बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके विभिन्न जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ छलावा है। चाहे वो आउटसोर्सिंग की बात है, आउटसोर्सिंग में सिर्फ उन्हीं लोगों को डिमांड दिया जा रहा है जो कि उनके पन्ना प्रमुख हैं, बूथ प्रमुख हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनको डिमांड दिया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। और दूसरी बात एक है इसमें, आउटसोर्सिंग में भी सिर्फ 2 कंस्टिट्यूंसी के लोगों को डिमांड दिया जा रहा है, बुसराज और धर्मपुर। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र के लोगों को डिमांड नहीं दिया जा रहा, और इन क्षेत्रों से भी वही लोग हैं जो उनकी भारतीय जनता पार्टी की जिनकी सदस्यता है या उनकी उससे जुड़े हुए लोग हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो 70 वर्ष में जो हमारा सिलेंडर था गैस का, वो मैक्सिमम रेट उसका गया 441 रुपये। लेकिन आज उसके बाद जो 7 वर्ष की जो सरकार केंद्र में बैठी है, आज सिलेंडर का रेट क्या हो गया, तो आप रेशो वहीं से देख सकते हैं कि महंगाई कहां से पनपी है। आज दालों के रेट देख लीजिए, आज आप किसी भी ऑयल के रेट देख लीजिए, कोई भी खाद्य पदार्थ है उसके रेट देख लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ें हैं, आज आपका पेट्रोल डीजल देख लीजिए, जो कांग्रेस के समय में 72 रुपये था, आज वो 117 रुपये है। और जो सीमेंट हमारे प्रदेश में बनता है, हमारे प्रदेश में बनने के बावजूद यहाँ पे सीमेंट का बैग हो गया 500 रुपये, जबकि पंजाब और कहीं भी जाइए आप 350-400 रुपये। तो ये किस तरह की बातें हैं, ये जुमलों में अब हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। और इन चुनावों में जो केंद्रीय हमारे जो राष्ट्रीय
अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है और जिस तरह की एक टीम हिमाचल प्रदेश को बना के भेजी है।